यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का सर 5 मिनट से ज्यादा रहता ही नहीं आजकल। दोस्त 14 से 25 साल की वो उम्र है जिसमें या तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी जिंदगी निखर सकती है। दोस्त आज तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा। कब तक अपने माँ बाप के दिए टुकड़ों पर पलोगे, कब तक? एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा। कब तक कल कल करोगे? एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होंगे, क्या उस दिन भी यही कहोगे कल करूंगा? जरा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं आपसे जो आपके लिए जीने मरने को तैयार है और आप 5 मिनट पढ़ने को तक तैयार नहीं। आज ही सोच लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, वरना जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीजें हटा दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तुम पढ़ाई में कमजोर हो कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ तू थोड़ी सी कोशिश तो कर, अगर तू 2 मिनट भी पढ़ पाया तो तेरे अंदर वो फीलिंग आएगी जो तुझे आने वाले 2 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगी। तू जरा कोशिश तो कर। वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आज भी उतना ही मोटिवेशन देती है जितना कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के वीडियो देते हैं। कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई तो ऐसा मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो, कोई ना कोई तो ऐसा ढूंढ ही लो जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर दे। अपनी औकात के लिए पढ़ लो यार, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पढ़ लो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, उनकी उम्मीद हो तुम। हमें अपनी जिंदगी को जीना है ना कि जिंदगी को काटना है। दोस्तों हर एक की जिंदगी में एक ऐसा सपना जरूर होता है जिसके लिए वो जीने मरने को तैयार होता है। मुझे नहीं पता कि आप सपने देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि लाखों वीडियो को छोड़कर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप में जरूर कुछ न कुछ खास बात होगी, आपके अंदर जरूर कुछ न कुछ एक छोटा सा बीज होगा जो आगे जाकर पेड़ बनने वाला है। झूठी सही लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और दिल में बिठा लेना, झूठी सही लेकिन इस बात को सच मान लेना। अगर सच मान लिया ना तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे यार। मुझे नहीं पता आप कौन हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनोगे, आप जिंदगी में बहुत कुछ करोगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज से ही शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो ने अंदर से हिला दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैला।